नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का साइबर अपसोलो में। आज मैं बात करूंगा इन सारी एप्लीकेशनों के बारे में जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, लेकिन यूज़र्स को प्रॉब्लम हो रहा है क्रेडिट कार्ड से मनी ऐड कर बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने का, और बिल्कुल जेन्युइन है प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने भी यूज़ किया है, लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको नया प्रोसेस। अगर आप उस प्रोसेस को फ्लो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली क्रेडिट कार्ड से मनी लोड कर बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और बिल्कुल फ्री में। और आप अभी जो मैं प्रोसेस बताऊंगा इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्ज़ी कर लो, 1 लाख 2 लाख 10 10 लाख या 1 करोड़ भी, सब कुछ बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा आप पेज़ैप के बारे में। आज 7 नवंबर 2017 है और आज लास्ट डेट है पेज़ैप से बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने का फ्री में। 7 नवंबर के बाद अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो पेज़ैप के थ्रू तो आपको देना होगा 2% का एक्स्ट्रा चार्जेस, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा यहाँ पर। लेकिन जो लोग इस एप्लीकेशन को सिर्फ बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते थे, आज के बाद ये एप्लीकेशन उनके लिए बेकार हो जाए। लेकिन आज के बाद भी इसी एप्लीकेशन से आप मनी ट्रांसफ़र कर पाओगे फ्री में। वो कैसे कर पाओगे मैं प्रोसेस बता दूँगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो एक वीडियो थी एयरटेल से जेटा, एयरटेल में पैसे क्रेडिट कार्ड से मनी लोड कर आपको जेटा के अंदर डालना है, फिर जेटा से आपको बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना है। अभी भी वो प्रोसेस काम कर रहा है, लेकिन बार बार क्या होता है, कुछ बार योर बैंक इज़ डिक्लाइंड, ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड, ऐसे एरर मैसेज आता रहता है। तो इस एप्लीकेशन को भूल जाइए। दूसरी वीडियो मैंने जो बनाई बताई थी माई एयरटेल के अंदर क्रेडिट कार्ड से पैसे लोड करो, उसके बाद आईसीआईसीआई पॉकेट का जो वॉलेट है इसमें ट्रांसफ़र करो और फिर बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करो। इसमें भी हो रहा है लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है इसके साथ पेज़ैप का। तो चलिए आपको क्या करना है, और एक प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको। जब मैंने वीडियो बनाया था एयरटेल का तो मैंने आपको ये भी बोला था कि जब जैसे आप रजिस्टर करते हो एयरटेल का तो उसके साथ साथ आपको केवाईसी करना है किसी नियर सिस्टम में जाकर, क्योंकि अगर आप केवाईसी नहीं करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो आपको ब्लॉक कर देंगे। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी केवाईसी कर लिया है उनको एक प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्रेडिट कार्ड से ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा यहाँ पर। जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, मेरे अकाउंट में 2000 रुपये बैलेंस है, 2050 रुपये, और मान लीजिए मुझे अभी कुछ पैसे ऐड करना है 5000 रुपये क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो केवाईसी है, अपग्रेड है, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन मुझे क्रेडिट कार्ड से ऐड करना है। कैसे करूँ? आज के टाइम पे सभी के पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन के अंदर 2 सिम होती है, आप लोगों के पास भी होगा। तो आपने जिस नंबर से केवाईसी कर लिया है वो आपका प्राइमरी अकाउंट हो गया। दूसरा नंबर जो है दूसरा नंबर से रजिस्टर कर लीजिए, और आपके घर में आपकी मम्मी पापा या भाई जो भी होगा उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड जो है आप इनको मेल के थ्रू सेंड कर दीजिए, तो आपका अकाउंट जो है ब्लॉक नहीं होगा उस केस में। मेल आईडी है wecare@airtelbank.com। सब्जेक्ट में आपका मोबाइल नंबर डालना है और नीचे जो भी आपने लिखना है और नीचे अपना डॉक्यूमेंट से अपलोड कर अटैच करके अपलोड कर देना है, इनको सेंड कर देना है। मैं भी अपने फ़ोन में 2-3 अकाउंट यूज़ करता हूँ इसकी मदद से, पैरेलल स्पेस या मल्टीपल अकाउंट्स की मदद से। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मेरा जो वो नंबर था वो प्राइमरी है और केवाईसी अपडेट है, उससे मैं क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ना स्क्रीन में, इससे मैं क्रेडिट कार्ड से ऐड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये केवाईसी अपग्रेड नहीं कर रखा है, लेकिन मैंने इनको मेल के थ्रू भेज दिया है। मेरा अकाउंट बंद नहीं होगा लेकिन लिमिट भी इंक्रीज़ नहीं होगी, मेरी लिमिट जो है 20,000 ही रहेगी, लेकिन अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 3000 रुपये बैलेंस। अगर यहाँ पे मैं मान ले जिए मैम जो 2000 रुपये ऐड करना है, कुछ भी सपोज 1000 रुपये ऐड करना है मुझे, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, तो मैं यहाँ से क्रेडिट कार्ड का ऐड कर सकता हूँ। अब मान लीजिए आपने ऐड कर लिया, यहाँ पर 3000 रुपये भी बैलेंस है, तो आपको करना क्या है, सेंड मनी पे जाना है और पर्सन आपका जो प्राइमरी नंबर है जिसमें आपका केवाईसी कर रखा है वो नंबर यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद
ये सारा जो जितना भी बैलेंस है ना वो आपको ट्रांसफ़र करना है उस पर 3,000 रुपये। ट्रांसफ़र हो गया मेरा पैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, मेरा बैलेंस है 0। अब मुझे जाना है एयरटेल में, जो मेरा KYC अकाउंट है। 2,000 रुपये बैलेंस था, 5,000 रुपये आ गए। अब मुझे ये 5,000 रुपये क्या करना है, UPI के थ्रू ट्रांसफ़र करना है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डायरेक्टली आपको बैंक ट्रांसफ़र करना, तो बैंक ट्रांसफ़र मत करना आप, क्योंकि आपको बैंक ट्रांसफ़र करोगे तो आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्जेस देना होता है। UPI से करना, UPI से करोगे आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है और इंस्टेंटली हो जाता है। आपको यहाँ पे टाइप करना है अपना VPA, जो आपके ना अकाउंट का होगा VPA, दूसरा VPA, ठीक है। मैंने VPA टाइप कर लिया, ये मेरा VPA है। अगर आपके पास VPA नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्टली अकाउंट नंबर वगैरह डाल के कर सकते हो। तो मेरे पास VPA है, मैं VPA से करता हूँ, मुझे अपना उतना डिटेल्स फिल नहीं करूँगा मैं। अब ये पैसे मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये तुरंत हो जाता है बिल्कुल, और मेरे वॉलेट में 5,000 रुपये बैलेंस थे। अब मुझे 5,000 ट्रांसफ़र करना है, 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। एयरटेल वाला है, यहाँ पे डालना है आपका 4 डिजिट का पिन और पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है। और ये देखिए सक्सेसफुल हो गया है और मेरे अकाउंट में आ जाएंगे अभी, और मैसेज भी आ जाएगा शायद UPI। देखिए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हुआ है। 5,000 रुपये बैलेंस था, 50 रुपये रह गया, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है, पेज़ैप। पेज़ैप के अंदर मिलता है आपको 20,000 रुपये की लिमिट, लेकिन अगर आपका जो जिस नंबर से रजिस्टर करोगे वो नंबर HDFC डेबिट कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड से लिंक है, तो आपके अकाउंट की लिमिट 50,000 रुपये हो जाता है। आपको करना क्या है, यहाँ पे पेज़ैप में मनी लोड करना है क्रेडिट कार्ड से। मनी लोड करने के बाद जैसे आप यहाँ से मनी लोड कर लेते हो ना, मनी लोड कर लोगे यहाँ पे जाके आप, मेरे अकाउंट में पैसे देखिए आ गया है, 5,000 रुपये क्रेडिट हो चुका है अभी जो मैंने ट्रांसफ़र किया था। अब यहाँ पे आप एक बार में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो, 5,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से भी ट्रांसफ़र मतलब ऐड कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से जैसे ऐड कर लोगे आप, और यहाँ पर आपको मिलता है एक कार्ड का ऑप्शन, ये यहाँ पर इस कार्ड को कॉपी करना है और माई एयरटेल के अंदर ऐड मनी जैसे करोगे इस डेबिट कार्ड ऑप्शन पे डालना है, वो ऐड हो जाएगा, अमाउंट डिडक्ट देंगे इससे, आप UPI से ट्रांसफ़र कर सकते हो। वीडियो बहुत लंबी हो रही है मुझे ही पता है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप फ़ोन पे फिर जो दिक्कत हो रहा है ऑक्सीजन से और फ़ोन पे मनी ट्रांसफ़र करने का उसका सोल्यूशन क्या है। और एक चीज़ मैं जो भूल गया बताने का आप लोगों को, माई एयरटेल की जो लिमिट है वो 1,00,000 होती है, लेकिन पिछले महीने जो यूज़ किया था लगभग 2,00,000 से ऊपर मैंने यूज़ कर लिया और वो मतलब कोई एरर मैसेज नहीं आया। तो शायद आपकी लिमिट 1,00,000 रुपये से ज़्यादा है या फिर अनलिमिटेड लिमिट है, अभी मुझे कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन 1,00,000 रुपये से लिमिट ज़्यादा है। तो आप ऐसे कर सकते हो, पेज़ैप का 2-3 अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, उसमें क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी कर लीजिए, फिर माई एयरटेल के अंदर डाल लीजिए, UPI से ट्रांसफ़र कर लीजिए। आप ऐसे ही प्रोसेस कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ ना आए, अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि कैसे क्या करना है, तो मैं आप लोगों को दोबारा बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करना और लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। आज के लिए बस इतना ही, तब तक लेके बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।